बेटी जल्दी आओ। अभी आए। बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आओ। बाय डैडी। बाय। वेमन से बोल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे बताऊं? यही समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत हो डियर, तुम कहां से देखती हो? जरा मैं भी तो देखूं। यहां से कैसे दिखेगा? थोड़ा उस तरफ होकर देखो। यहां से भी कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से देखने पर वो दिखता है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा बता, कल तुम रोशन के साथ गई थी? मगर कुछ नहीं किया। क्यों? बस ऐसे ही। आज शाम हम लोग पिक्चर देखने जा रहे, तुम चलोगी? डैडी नहीं मानेंगे। मतलब तुम दूसरा शो देखोगी? देख देख के मैं बोर हो गई। सिर्फ आंखों से देखने से क्या होगा? तुम्हारे मन के अंदर क्या है तुम सोच के देख लो, मैं बाद में आऊंगी। हेलो। हेलो रोज, कुछ देखना चाहोगी? क्या देखना? तुम आओ मैं दिखाऊंगी। इतने दिनों से देख रही हूँ, वही बहुत है। तुम पहले आओ तो सही, मजा आएगा। तुम देखोगी तो सब समझ आओगी। तुम जल्दी आओ। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। प्लीज यार, मैं बुला रही हूँ ना, मना मत करो। शैली, तुम्हारे मम्मी डैडी कब आएंगे? लेट नाइट आएंगे, तुम जल्दी आओ, मैं रखती हूँ। आओ जल्दी आओ। हेलो। तुम्हारे चेहरे पर पसीना कैसा? कुछ नहीं। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही हो। मेरी फ्रेंड आई है,
कहाँ? अंदर है। अंदर क्या कर रही है? तुम धीरे बोलो, वो सुनेगी तो घबरा जाएगी। क्यों? कुछ नहीं, तुम आओ। हाँ ठीक है, चलो चलो ना। हाँ स्वीटहार्ट, मेरा बर्थडे भूल गई ना? ओह शिट, सब इसकी वजह से। सॉरी डियर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यू लॉन्ग लिव एंड लव मी। बस करो, चलो बैठो, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो ना, मुझे घर जाना है। नहीं, हेलो, आई इनवाइट यू, प्लीज कम। मेरे वहां पार्टी है, एक छोटी सी गेट टुगेदर, देन रिटर्न, ओके? चलो ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। आज से हम अच्छे बच्चे हैं, तुम्हीं ने कहा ना। चलो चले गए। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। कहाँ गए? चिंता मत कर, आ जाएगी। हाय। चलो चलो। हाय। भी है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? गो टू योर क्लासरूम। घबराओ नहीं, शायद फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। डरो मत,
माला टीचर परमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल के रूम में गई हैं। उनके आते ही तुम चली जाना, फिर कल आना, ठीक है? ओके। वो लड़की, शी इज रियली वेरी ब्रिलियंट गर्ल, फिर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं माला, शी इज आवर स्टूडेंट। हमारे स्कूल के सभी बच्चे हमारे अपने बच्चों के बराबर हैं। ऐसी घटना कल हमारे घर में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? यू मे गो नाउ। हेलो, ये रोज का घर है? तुम यहां किस लिए आती हो? नहीं पढ़ना है तो कहीं और जाओ। तुम बताओ लक्ष्मी, तुम सब यहां किस लिए आती हो? मेरी जान खाने। इसका उत्तर किसी को मालूम है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। तुम्हारी जैसी होशियार लड़की इस क्लास में है, मुझे खुशी हुई। तुम सब जा सकते हो। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या हुआ मिस, बहुत जरूरी काम है? जरूरी काम है भी बोल सकती हूँ और नहीं भी। ये है रोज की मदर। हेलो। हेलो। हमारे स्कूल के बच्चों के माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है? गुरु भगवान समान होता है, उसमें प्यार है, दया है, ममता है। उनके बच्चों को हम अपने बच्चों की तरह देखेंगे, ऐसा अभिप्राय है। मगर आप लोग क्या करते हैं, मशीन की तरह आते हैं और चले जाते हैं। आप लोग सिर्फ 9 से 4 तक का काम है यही समझते हैं। हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है, हमें ये सोचना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों में से कोई ना कोई इस सोसाइटी में कोई बड़ी पोजीशन हासिल करेगा तो उससे हमारे स्कूल का ही गौरव बढ़ेगा। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को जिन्होंने शिक्षा दी, उन अध्यापकों के बारे में जरा सोच के देखिए उन्हें कितना गर्व हुआ होगा। मैडम, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है जो मुझसे बोलना चाह रही है, जल्दी से बताइए मैडम, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं मेरी बेटी ने कुछ। घबराइए नहीं, उसने उल्टी की, फूड पॉइजन से भी ऐसा हो सकता है। जब उससे पूछा तो सर चकरा रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन, यही सब उसने बताया। कुछ भी हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका चेकअप करवाइए। टीचर, जरा इन्हें रोज के पास ले जाइए। चलिए, चलती हूँ। आओ बेटी। हाँ, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो। ओ, आओ बैठो। और बताओ तुम कैसी हो? आई एम फाइन डॉक्टर। बेटी आज सुबह स्कूल गई थी, मुझे हेडमिस्ट्रेस ने बुलाया था और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं स्कूल से सीधे यहाँ ले आई। आप चेकअप कर लीजिए ना। कम दिस साइड। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? सर चकरा रहा है बस, और कुछ नहीं। ये कितने दिनों से? आप सुबह से ही डॉक्टर। सुबह स्कूल जाते समय तो ठीक थी। ठीक है, तुम अंदर जाकर अंकल से मिलकर आओ। जब तक मैं न बुलाऊं उसे यहां मत भेजना। रोज अकेले कभी कहीं जाती है? वैसे तो कहीं नहीं जाती, पर कभी कभार फ्रेंड्स के साथ जाया करती है। इसके फ्रेंड्स को क्या तुम जानती हो? डॉक्टर, आपके सवाल से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने से कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर? जानती हो ना, हमारा स्टाइल आजकल बदल चुका है। सिर्फ मॉडर्न के नाम पर पढ़ने वाले बच्चे अपना जीवन डिस्को में, क्लब में या बार में
या फिर बोर लगा तो कहीं और जाकर बर्बाद करते हैं। वैसे घर में तो बैठेंगे नहीं, बाय चांस अगर घर में रहे भी तो टीवी और न्यूज़पेपर नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक पेपर में ऐड देखा था जो 19 साल की एक लड़की ने दिया था अपनी ही कार में एक लॉन्ग टूर पर जाने के लिए। कार हो तो लोग तैयार हो ही जाएंगे और जो साथ जाएगा वो छोड़ेगा थोड़े ही। sex.com ये एक नई चीज है, सोसाइटी में आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। ठीक वैसे ही डॉक्टर मुझे टेंशन हो रहा है, प्लीज बात क्या है बोलिए ना। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, हर नई घटना नया सबक सिखाती है। डॉक्टर मेरा सिर चकरा रहा है, क्या उसका मान भंग हुआ है? प्लीज डोंट मेक साउंड, हो सकता है उसी का कोई बॉयफ्रेंड हो और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर खुद को सौंप दिया हो। डॉक्टर यस शी हैज कंसीव्ड। अब ऐसी हालत में उसे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं होगा और अगर कोई लवर हुआ तो वो अबॉर्शन नहीं करने देगी, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। खुद को संभालो, उसकी डैडी को भी बात समझाने की कोशिश करना। कल सुबह ठीक 7 बजे उसे साथ में ले आओ, हमारा काम 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हुआ कैसे हुआ ये सब पूछना। क्यों मेरी बात समझ गई ना? हाँ सुबह उसे खाली पेट लेकर आना, आंसू पोंछ लो। पहले अपना तुम ये हुलिया बदलो, उसके मन को ठेस पहुंचाने वाली इस ड्रेस को बदलो और फिर कुछ बताए बिना ही उसे ले जाना और लाना, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। बेटी तुम जाके आराम करो। एलेक्स तुम यही रहो, मैं एक जगह होके आती हूँ। हाय डार्लिंग। हमारी बेटी, हमारी बेटी। क्या हुआ उसे? हमारी बेटी बर्बाद हो गई। रेशमा किसने किया? नहीं जानती दिनेश, नहीं जानती। हमारी बेटी को किसने बर्बाद किया बताओ? मुझे नहीं मालूम। हेलो, मैं हूँ प्रिंसिपल। रोज अब कैसी है? अब ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन रेस्ट करने को बोला है। डॉक्टर ने कंफर्म किया? तब तो उसका जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने हमने करवा दिया। जो होना था सो हो गया, आइंदा ऐसा ना हो उसका ख्याल रखिएगा। ओके मैडम। देखिए कल या परसों आप अपने पति के साथ स्कूल आ जाइए। ओके मैडम। मैडम को सब कुछ मालूम हो गया। हमें भी काफी दुख है, शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमारे स्कूल की छात्रा के साथ इस तरह का हादसा हुआ, इससे हम सभी को काफी दुख हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, सहन करना ही पड़ता है।
सितंबर खत्म हो गया, अब बचे हैं केवल 6 महीने, उन्हें भी जाने दीजिए। नेक्स्ट ईयर ही उसे स्कूल भेजिएगा, तब तक उसे घर पर ही रहने दीजिए। मैडम, हमारी सिर्फ इकलौती बेटी है, उस बेचारे से गलती हो गई, ऐसे में उसकी पढ़ाई भी रोकेंगे तो। नहीं मैडम, एक बार माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, सबने मिलकर सोचकर ही ये फैसला लिया है। आपके बेटे की करतूत यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे जान गए हैं, ऐसे में यहीं पढ़ाई करेगी तो बाकी के बच्चों में भी गलती करने की भावना जागेगी। सो 6 महीनों के लिए उसे डिबार करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इस पे साइन कर दीजिए। क्यों रिश्ते तो मैं उसे कुछ मत करो। आज तक हमने उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया, हमने आज तक उसके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। गलती हम लोगों की है, उसने कोई गलती नहीं की, जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं खून पसीना एक करता हूँ। तुम अपने रास्ते पे गई, वो अपने रास्ते पे गई, नतीजा क्या निकला? इसका भविष्य ही सत्यानाश हो गया। आज से ये मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप। आइंदा मेरे नजदीक भी आए तो मैं जान से मार डालूंगा। डैडी, गलती तो मुझसे हुई है, आप दोनों क्यों परेशान हो रहे? मैं जीना ही नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। आप लोग मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइए। डैडी, मम्मी, लेखा रोज अपने कमरे में है क्या? आ, आ। रोज, रोज, मैं हूँ शैली। अचानक कैसे इस तरफ तुमसे मिलने आई हूँ? मैं स्कूल से टीसी दे दी, क्या ये सच है? रो नहीं, तुम्हें अगले साल फिर से एडमिशन मिल जाएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं, पर डैडी ने मुझे क्या बोला मालूम है? मैं उनकी बेटी नहीं, ऐसा बोला। मैं सामने गई तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। सुनो, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? तुम्हारे मम्मी डैडी ने गुस्से में आकर ये सब बोल दिया होगा। कुछ भी हो, तुम ऐसा करो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों रे, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण तू ही है। मेरा जीवन बर्बाद करके अब जलन पे नमक छिड़कने आई है तू। उस दिन पार्टी में जानबूझकर मुझे अपने साथ ले गई थी, वहाँ जब मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक ताजी सी स्मेल आ रही है तो तूने क्या बोला? कुछ नहीं है, पी लो। उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उन सब की जिम्मेदार तू है। तूने वहाँ मेरी इज्जत लुटवा दी ना। बोल, तू मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही? उसी पार्टी में मैं भी तो थी, मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? तुम और तुम्हारे एलेक्स का खेल कोई जानता नहीं, ऐसा समझती हो क्या? कहीं और मुंह काला करवा के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तू अपने आप को सती सावित्री मत समझ, तेरे रोशन के बारे में भी हमें मालूम है। क्लासरूम में जो कुछ होता है वो सब मालूम है। कल सुबह प्रिंसिपल से सब कुछ बोल के तुझे भी मैंने टीसी नहीं दिलवाई तो मेरा नाम रोश नहीं। तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अरे जा, मैं करके दिखाऊंगी। चल जा। करो नहीं, मैं हूं ना, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, मैं कौन हूं उसे दिखा दूंगा। Thank you.
रोशन 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 मुझे छोड़ के मत जाओ रोशन रोशन मुझे बचाए रोशन 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 बेटी 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 दरवाजा खोलो रोशन कहाँ है मुझे रोशन चाहिए रोशन रोशन एलेक्स एलेक्स मुझे चाहिए तुम आओ मेरे पास मुझे चाहिए रोशन नहीं, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? नहीं, मैं तुझे नहीं छोडूंगा। माँ, अलाइए। नहीं, मैं कुछ नहीं किया। तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मैं कुछ नहीं जानता। तुझे मैं नहीं ये दरवाजा किसने बंद किया माँ माँ दरवाजा खोलो ना माँ माँ दरवाजा खोलो माँ दरवाजा खोलो ना माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है रात में यहाँ कौन आया था बेटी क्या हुआ था यहाँ मुझे कुछ याद नहीं शायद रोशन आया था ये रोशन कौन है शैली का बॉयफ्रेंड वो यहाँ क्यों आया था माँ मैं एक दिन उस रोशन की पार्टी में गई थी वहीं ये सब कुछ हुआ था कल भी वो नींद में मुझे इंजेक्शन लगा के चला गया वो अभी कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानती शैली जानती होगी ठीक है तुम जाके नहा लो किसने बुलाया चुपचाप भाग जाए यहाँ सुना इस तरह चिल्लाओ नहीं यहाँ एक बार जो भी आ जाता है वो वापस नहीं जाता इसलिए मेरी बात मानो अपने घर जाओ अपने घर जाओ मुझे घर नहीं जाना इंजेक्शन यहाँ नहीं मिलता है नहीं मुझे घर नहीं जाना मुझे अपने साथ ले चलो मुझे कहीं भी ले चलो मुझे इंजेक्शन चाहिए ठीक नहीं छोड़ो इंजेक्शन दो दो मुझे नहीं मैं नहीं दूंगी इंजेक्शन दे दो मुझे अपने साथ ले चलो मुझे इंजेक्शन दे दो मुझे कोई भी अपने साथ ले जा कुछ भी करो मेरे साथ मुझे इंजेक्शन दो इंजेक्शन इंजेक्शन दो मुझे
गॉड न जाने क्या हो गया थे। सुंदर जी उसे कुछ मत करना, मैंने ही उसे इंजेक्शन की लत लगाई है, कल अगर इसे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, उसे छोड़ दीजिए नहीं तो कल से यहाँ पर कोई नहीं आएगा, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। सुदेश की ताकत नहीं जानते, नई जिंदगी शुरू कर पाती है या नहीं, यह देखना हमारा मकसद नहीं। इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने वाले हालात हमेशा के लिए मिटा देने चाहिए। आज के युवा युवतियां हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, हमें उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। इस फिल्म की कहानी कोई मामूली इंसान की कहानी नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी की आज की अवस्था का वर्णन है। इस फिल्म को देखने वाले अनेक लोगों में से यदि एक इंसान भी अपनी गलतियों को भूलकर सही मार्ग अपनाता है तो वो हमारे लिए एक सम्मान सिद्ध होगा। ये केवल एक कहानी नहीं, युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है।